जो लोग भी रैंक नहीं ला पाए हैं, जो लोग भी इससे पहले वाले प्रोडक्टी में अच्छा नहीं कर पाए हैं, वो लेकिन वो अच्छा करने की अगर इच्छा रखते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए ये एग्जाम बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इसलिए आप लोग बिल्कुल मन से तैयारी करिए, बढ़िया से एग्जाम दीजिए। स्वागत है दोस्तों नए वीडियो में। बहुत दिनों से वीडियो आया नहीं था क्योंकि अभी पढ़ाई का लोड कुछ ज्यादा ही हो गया है, तो बहुत दिनों से मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं दे पाया हूँगा, तो इसलिए पहले सबसे पहले तो माफी मांगना चाहूंगा आप लोगों से। और अभी देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेरीज हैं, क्योंकि मतलब बहुत सारी क्वेरीज काफी जनरल कॉमन सी क्वेरीज आती है, तो सबका जवाब अभी दे देते हैं। और अभी 6 तारीख को होने वाला है, मतलब 2 दिन बाद, जब ये वीडियो बन रहा है उसके 1 दिन बाद 6 तारीख को ये होने वाला है, ठीक है, तो प्रोडिजी थर्ड वाला, तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। और उसके रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। अभी हमारे देख सकते हैं आप यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं, यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो। ओके, अब आते हैं कमेंट्स पे, ठीक है। देखा जाए क्या 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 डाउट्स हैं आप लोगों के, जिनके जवाब नहीं दिए गए। जैसे देशभक्ति बोल रहे हैं कि माई रैंक वॉज 514, प्रोडिजी स्कॉलरशिप कितने रैंक पर मिलती है? देखिए टॉप 100 तक मिलती है स्कॉलरशिप, मतलब मेरे को नहीं लगता कुछ मिलेगा आपको, तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। ओके ब्रो, एग्जाम कितने टाइम एग्जाम के टाइम से कितने मिनट पहले हमें एग्जाम 3 बजे तक है, अगर आप का एग्जाम तो आप 3 बजे तक एग्जाम दे सकते हो, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा आपका, है ना, तो आप सवाल बनाने पर ध्यान दीजिए और एग्जाम ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। भैया अभी कौन सी रैंक आई थी भाई? जब मैंने दी थी तो मेरी 11th रैंक आई थी, उस टाइम 11 से लेकर 15 तक आईफोन मिलता था, तो मैंने आईफोन जीता था फिर। हाँ ठीक है, 3 बार 3 बार में बता दिया। देयर ऑन कैमरा? नो 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 नो, कैमरा ऑन नहीं रहता है, टेस्ट ऑन नहीं रहता है बट कैमरा ऑन नहीं रहता है। इन हाउ मच टाइम यू कंप्लीट? मेरे को तो यार पूरा टाइम लग गया था उस टाइम। आर यू ड्रॉपर? यस आई एम अ ड्रॉपर। इन हाउ मच टाइम यू कंप्लीट? पूरा टाइम लगा था यार। आई गॉट 17 व्हिच मींस आई एम एलिजिबल फॉर रिवॉर्ड देन। फॉर जी कंप्लीट कंसीडर बेस्ट स्ट्रेंथ और मेरे हिसाब से तो पहला रैंक जो आपको मिलना चाहिए था, मतलब 17 पे आपको अमेज़न इको था तो इको मिलेगा आपको। आई वांट टू विन आईफोन। हाँ बिल्कुल, आप बढ़िया से पढ़ाई करिए और बढ़िया से एग्जाम दीजिए तो आप आईफोन बिल्कुल जीत सकिएगा, है ना। इसमें हेल्प आप खुद की कर सकते हैं, आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप पढ़ाई करेंगे ठीक से, ढंग से आप पढ़ाई करते हैं अगर, तो आप बिल्कुल आईफोन जीतेगा। आपको ऑल द बेस्ट बोल सकता हूँ मैं। और कैन हाउ मेनी स्टूडेंट कैन टेक पार्ट इन? अनलिमिटेड स्टूडेंट्स, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो कोई ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आपको टॉप करना है ये है, अगर आप जीतना है तो। फिर ये क्या है, ये जनवरी में 31 रैंक किया बट कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, क्या करूं और प्राइज नहीं मिलेगा? रिस्पॉन्ड तो देखिए अगर आप जीते हो वो लोग करेंगे, उनका टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं ना, उसमें है कि अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आप जीते हैं तो वो लोग कांटेक्ट करेंगे आपको, ईमेल करेंगे, आप ईमेल अपना रिफ्रेश कर करके चेक करते रहिए। भैया कहाँ पढ़ा आपने? मेरा प्रोडिजी का एग्जाम है ऑन 13 फेब। 13 फेब कोई नहीं है विशु जी, आपका 6 फेब को भी है, तो आप 6 फेब को भी एग्जाम दे सकते हैं ना। भैया कुछ प्राइज नहीं चाहिए, बस स्कॉलरशिप ही मिल जाए। अरे मिल जाएगा स्कॉलरशिप, आप चिंता मत करिए, बिल्कुल मिलेगा स्कॉलरशिप। माई रैंक इज 15 प्रोडिजी, विल आई गेट आईपैड एंड व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर? अगर आपकी 5th रैंक है तो आपको मेल आएगा, आपको आईपैड भी मिलेगा, बिल्कुल प्रोसीजर प्रोसीजर बता दिया जाएगा आपको, पूरा प्रोडिजी हो जाएगा एक बार, है ना। माई रैंक इज 5th इन 11th, विल आई गेट आईपैड इन? बिल्कुल हाँ सोनम जी, आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, है ना, कि आपने आईपैड जीता और यूज़ करिए बढ़िया से उसको, आपको बिल्कुल मिलेगा प्रोसीजर, आपको एन अकेडमी टीम कॉन्टेक्ट करेगा, है ना। आई एम इन स्टूडेंट, आई हैव नॉट गिवन टेस्ट जे। अरे यार आप अगर कॉलेज में है तो कॉलेज के लिए नहीं है, है ना। तन्मय बुखार है जी, फिर भैया एन अकेडमी प्रोडक्ट की तैयारी कैसे करें प्लीज? स्टिल 2 अटेम्प्ट हो गए पर दोनों में सेम मार्क्स हैं। कोशिश कोशिश कर सकता है इंसान, है ना, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, है ना, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी तक तो मतलब बहुत सारी चीज जीत चुके होते, बट मेरा भी वही हाल है, थोड़ा थोड़ा से रह जाता है, बट कोशिश करना अपने हाथ में, हम लोग वही कर सकते हैं। मैंने अकेडमी की प्रोजेक्ट देखी ओ ओ ओ ओ 3 बार। पुष्पा पूनिया जी पूछ रहे हैं जिसने 23-29 जन को पेपर ना दिया हो। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं पुष्पा जी, आप बिल्कुल एकदम झुकेगा नहीं करके एकदम दे दीजिए पेपर, बढ़िया से झुकिए मत।
ओके प्लीज बता दो रिवॉर्ड के लिए वेरिफिकेशन कैसे होगा। अरे एग्जाम के बाद रिवॉर्ड के लिए भी वो लोग मेल करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट मांगते होंगे। 68 पे आपको अमेजन वाउचर मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली 1,000 का। ओके आराध्या भारद्वाज जी। ओके फिर भैया इन टोटल देल गिव अवे 4 मैकबुक्स और ओनली वन। अरे देल गिव 4 मैकबुक्स बट एक इंसान को ही मिलेगा, मतलब अगर आप 6th वाले में जीत जाते हैं तो आपको 6th वाले में मिलेगा। ये नहीं कि आप 6th में भी रैंक वाला दिए और 7th और 14th में भी रैंक वाला दिए 13th वाले एग्जाम में, तो आपको उस दोनों में 2 मैकबुक मिलेगा, आपको मिलेगा एक ही, है ना। और हर एग्जाम में बांटेंगे लोग, ऐसा नहीं है कि एक ही बांटेंगे। वी हैव वन अमेजन इको इन टुडेस एंड कैपर दी, बट मुझे प्राइज कैसे मिलेगा? कॉल करेंगे, कॉल करेंगे, मेल करेंगे, सब करेंगे आपको, है ना। आप मेल चेक करते रहिएगा। तन्मय बुखारी जी नहीं कर सकते आप। ये प्राइजेस कब सबको मिलेगा भैया? जिनको रैंक पर मिलेंगे, प्लीज जिनकी रैंक आएगी उनको बिल्कुल मिलेगा पूनम जी। फिर भैया दिस एग्जाम कब हुआ था? हाँ कब हुआ था ये एग्जाम आपका? हुआ था 29 तारीख को, उससे पहले 23 को हुआ था, अब 6 को होगा, फिर 14 को होगा। भैया 550 तक ऐसे ही, 50 रैंक पे तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा इसमें मुझे केवल 10 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ट्राई करिए आदित्य झा जी, ऑल द बेस्ट, आप कर सकते हैं। अच्छा आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप बिल्कुल जीतिएगा। आई गॉट रैंक 26 एंड आई थिंक ओके अगर आप इकोडॉट हैं तो आपको बिल्कुल मेल आएगा। प्रखर जायसवाल जी आपको मेल आएगा, तो आप मेल चेक करते रहेगा ना। प्राची 94 रैंक आया, चलिए आप मेजर वाउचर तो मिलेगा आपको टॉप 100 में, तो मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा? और नेक्स्ट इस टेस्ट में हाई रैंक मिलेगा, और अगर नेक्स्ट इस में हाई रैंक तो किस, अरे मेरे हिसाब से तो अगर आप इको नहीं जीती हैं तो आप एग्जाम दे दीजिए, क्योंकि प्राइज जो है वो आपको दे सकते हैं वो लोग, है ना। आई गॉट सो मेनी। कोई बात नहीं, मेहनत करिए आर्यन गेमर प्रो जी, और ढंग से करिए तो आप जीत सकते हैं। भैया मेरे 56% बनी तो क्या कुछ मिलेगा? हाँ रैंक पर डिपेंड करता है, ओंकार जी ने बिल्कुल सही बोला। 56% मतलब 56 अगर रैंक है तो आपको अमेजन वाउचर मिलेगा, अगर 56% मार्क्स है तो नहीं मिलेगा कुछ। ओ, 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 आएगा आएगा, कॉल आएगा आपको, आपको मेल भी आ जाएगा कूपन का, है ना। हेलो भैया मुझे 91 मिली। प्रबोध जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये अनअकैडमी का टेंशन है, जो हमारा काम था वो था कि अपन एग्जाम दे और अच्छा करें, है ना, बाकी टेंशन अनअकैडमी छोड़ दीजिए। दक्ष अरोड़ा जी अगर आपके 847 रैंक है तो आपको कुछ नहीं मिल रहा अभी, आप और ट्राई करिए, है ना। श्रीनिवास जाधव जी को 1058 रैंक आया है। ओके नहीं नहीं अभी तो नहीं चांस है, बट अभी 2 चांसेस है आपके पास एग्जाम देने का, तो इस अच्छा करिए तो शायद चांस बन सकता है, टॉप 100 के अंदर तो आ जाइए। अब भैया टेस्ट के बाद प्राइज कैसे मिलेगा? वो लोग मेल करेंगे आपको, फोन करेंगे आपसे, जानकारी लेंगे आपसे, डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, सब मांगेंगे, तब तो आपको प्राइज मिलेगा। भैया मेरा रैंक 423 आया है तो क्या कुछ मिलेगा? ओ, नहीं नहीं मिलेगा। अब रैंक आने पर किस टाइप का इवेल्युएशन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है? रैंक आने पर किस टाइप का, अरे वो एग्जाम, अरे नॉर्मल सा है, कोई जैसे भर का फोन करके आपसे सवाल नहीं पूछेंगे तेजस जी, वो लोग नॉर्मल आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कुछ कुछ जेन्युइनली जानने के लिए आप बस। ब्रो हम कहाँ पर पढ़ती लाइव एग्जाम दे सकते हैं? वेबसाइट ऐप कहीं पे भी, अगर आईफोन यूज करते तो आईफोन में भी। अरे यार सिंचन गेमर्स ने जवाब दे दिया है तो बहुत धन्यवाद सिंचन गेमर जी, आपने इतना वो हमारे लिए किया। तो फैला दिस नंबर 1 ओ ये क्या था यार, पता नहीं चला किसी और। हाउ मच टाइम वीडियो टेक? पूरा टाइम लिया था मैंने। चेरी लोल जी, चेरी सर, चेरी लोल नाम है आपका। अगर 20 मिनट में 29 वाला हो गया तो टॉप में पॉसिबल है रैंक? सारा सही बात है, ऐसे तो नहीं। ओ ओ ओ हाँ बिल्कुल 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 भाई, ऑल द बेस्ट ब्रो। हाउ द वेरिफिकेशन विल बी डन आफ्टर दिस? हाँ बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार पूरा पेपर हो जाए ना। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। सारे मोस्टली सवाल तो वही थे, है ना, कि कब कैसे क्या मिलेगा, कैसे क्या रैंक मिलेगा, है ना। तो उसका सारा काम हो चुका है दोस्तों, है ना। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, अगर आपको वीडियो ढंग का लगा है ना, तो और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये अंतिम प्रोडजी नहीं है, इसके बाद भी प्रोडजी होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि साल में बस एक ही प्रोडजी होता है, इसके बाद भी प्रोडजी आएगा कुछ महीने बाद, और ऐसे बहुत सारे अकेडमी एग्जाम्स लेते हैं जिसमें आप कैश प्राइज जीत सकते हैं, जिसमें आप आईफोन, एलेक्सा, मैकबुक, बहुत सारा चीज, मतलब अकेडमी बस बांट रहा है, खुशियां बांट रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको अकेडमी की खुशियां चाहिए आपके द्वार पे, तो
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आप सबसे पहले, अगर आप बेल आइकन भी दबा देते हैं तो बहुत बड़ी वो उपलब्धि होगी मेरे लिए और आपके लिए, बहुत लाभदायक होगा वो चीज़, क्योंकि आपको तुरंत मालूम चल जाएगा अगर कुछ होने वाला होगा अगर अनअकैडमी या कुछ भी, तो ठीक है ना। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जब तक आपका भाई बैठा है यहाँ पे, अनअकैडमी का कोई भी ढंग का एग्जाम है ना, वो आपसे छूटेगा नहीं। इसलिए बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, कल सरस्वती पूजा है, जब ये वीडियो बन रहा है उससे एक दिन बाद, मतलब कि कल 5 तारीख को सरस्वती पूजा है, तो हैप्पी सरस्वती पूजा आप सभी को। माँ शारदा आप सभी को बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, और हम सबको, आप सभी को और हम मुझे भी सद्बुद्धि दे, ताकि हम लोग जीवन में जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, वो हम अचीव करें बढ़िया से। क्योंकि देखिए, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, एंड सबसे बड़ी बात क्या है ना, हमारे लिए पढ़ाई शौक भी है और मजबूरी भी। क्योंकि देखिए, सच्चाई ये है कि पढ़ाई से ही है ना मिडिल क्लास एक फैमिली जो है अच्छा कर सकती है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम है और आप आउटकम बहुत ज्यादा ला सकते हैं ना। बाकी अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत दिन रात लगाने पड़ते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन पढ़ाई ऐसा चीज है कि अगर आप अच्छा पढ़ते हैं तो स्कॉलरशिप देने के लिए इतनी सारी कंपनियां, अनअकैडमी इनफैक्ट स्कॉलरशिप देता है, कॉलेज फी पे, स्कूल फी आपका स्कॉलरशिप में चल जाता है, अनअकैडमी स्कॉलरशिप दे देता है 100%। तो पढ़ाई ऐसा चीज है जो, अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, तो आप बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं बिना किसी ज्यादा इन्वेस्टमेंट के। इसलिए हमारे लिए पढ़ना चॉइस नहीं है, मजबूरी भी बन चुकी है। तो इसलिए उन सारे मिडिल क्लास बच्चों से मेरी मिडिल क्लास बच्चों के लिए भी दुआ मांगते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं माँ सरस्वती से, कि ताकि वो हम जैसे बच्चों पे, हम जैसे नादान बच्चों पे कृपा करें और हमें सद्बुद्धि दें, ताकि हम लोग अच्छा करें, हम लोग अपने परिवार का नाम रोशन करें, हम अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अनअकैडमी और ऐसे जो भी टेस्ट हैं उनमें हम बहुत अच्छा परफॉर्म करें, ताकि हम प्राइजेज भी जीत सकें और जीवन में जो कुछ भी करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें सेकेंडरी होती है। प्राइमरी चीज़ क्या है कि अगर आप ड्रीम के कॉलेज पहुंच जाओ है ना, या फिर कुछ भी, जहां आप जाना चाहते हो, जिस भी कॉलेज में, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, तो उस जगह तक आप पहुंच जाओ, तो वो सबसे बड़ी जीत होती है। इसलिए टेस्ट में खराब नंबर आया, अच्छा नंबर आया, तो उससे निराश और अच्छा नंबर आने पे ज्यादा खुशी नहीं होना है। मतलब जो न दुख में ज्यादा दुखी हो और जो न सुख में ज्यादा सुखी हो, वही जीवन मनुष्य कुछ करता है ना। एक गीता में श्लोक था ना, मतलब कि स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि सके सव स्थित अधिक किम प्रभा से तक किमा सीत प्रजे तक किम, है ना। तो वही मतलब अर्जुन जी पूछते हैं कि हे माधव बताइए आप, मतलब स्थिर पुरुष का क्या वो होता है, कारण कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो कृष्ण ने उसको बताया था, है ना। तो वो सब ठीक है, तो इसलिए हमको स्टेबल रहना है, स्थिर रहना है, मेहनत करते रहना है, क्योंकि मेहनत करने से अगर पत्थर पे रस्सी का कोमल रस्सी से पत्थर पे निशान बन सकते हैं, तो हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए जो लोग भी रैंक नहीं ला पाए हैं, जो लोग भी इससे पहले वाले प्रोडजी में अच्छा नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो अच्छा करने की अगर इच्छा रखते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए ये एग्जाम बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इसलिए आप लोग बिल्कुल मन से तैयारी करिए, बढ़िया से एग्जाम दीजिए और आप जीतिए, है ना। यही मेरी दुआ है कि हमारा सब्सक्राइबर जीते, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है दोस्तों, है ना। जब कोई भी बच्चा दिखता है ना कि भैया मैंने ये जीता, मैंने ये रैंक हासिल किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि चलो यार और लोग भी जीते और लोग भी खुशी मनाए, क्योंकि यार बहुत बड़ी बात होती है, सच बताऊं, दिल से बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात होती है एक परिवार के लिए, जब हम लोग अच्छा करते हैं तो हम लोग के माँ बाप कितने खुश होते हैं ना, तो उनके लिए बहुत खुशी होता है मुझे, है ना। इसलिए आप बस अच्छा करिए, यही दुआ है ना। हैप्पी सरस्वती पूजा, अगेन लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट करके क्वेरी बता दीजिए, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है आपको, है ना, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कराइए, है ना, और दोस्तों को भी बताइए मेरे चैनल के बारे में। बस जय हिंद, राम राम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और बस बाय बाय।